आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आपका साथ भी हमको रहा, और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो आपको संबोधित करें। खारगे जी, आपने बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया, और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड, वी डू नॉट वॉन्ट
Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. Or अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है. सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है. इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है. इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है. बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया. मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है. जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे. जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं. धन्यवाद. शुक्रिया राहुल जी. अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे. एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज. एक मिनट शांत हो जाइए. एक मिनट, खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे. संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत, प्लीज चिल्लाइएगा मत. हाँ संजीव. राहुल जी, although the NDA has emerged as, you know, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस को कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो. कल डिसाइड होगा. इंडिया गठबंधन की मीटिंग है. कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा. बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे. सर, खड़गे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके
अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रेटजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ। जयराम जी, जयराम जी, जयराम, जयराम जी, राहुल जी, खड़गे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई, आप कौन सी सीट रखने वाले? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए, अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है। 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें, पार्टी मजबूत करें, या सरकार के साथ जाएं। आप सरकार के 2009 साथ 2009 में, हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात, नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें, ऐसी कोई राय नहीं थी आपकी। अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं पूछ रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, दो चीज है, ये जो मैंडेट मिला है, आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं, आप चाहते क्या है? नहीं देखिए, हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाएं, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा ने, नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने कहा था, नहीं देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी, मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से। सर कहते हैं, आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ। देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं, इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है।